इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म फॉल्सिफायर के बारे में, जो कहानी है एक आदमी की जो फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने का काम करता है। 1960 के दौर में जब यूगोस्लाविया में तीतो प्रेसिडेंट था, तब किसी थिएटर में तीतो की फिल्म देखते हुए एक आदमी बॉम्ब रखकर वहां से चला गया और उस थिएटर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। उस ब्लास्ट के साथ यूगोस्लाविया और खासकर बेलग्रेड हमेशा के लिए बदल गए। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बोस्निया के एक इलाके में अंजेलको नाम का आदमी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। अंजेलको फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने का काम करता है और एक तरफ जहां वो अपने काम में गुम था, उसकी पत्नी मिरियाना उस हमले के बारे में सुनकर परेशान थी। अंजेलको को भरोसा था कि उसका काम गैर कानूनी नहीं और ना ही वो कभी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो खुद ही एक स्कूल का प्रिंसिपल है। इस काम को करते हुए हर वक्त उसके परिवार को पुलिस के आने का डर लगा रहता है, पर उनके घर पुलिस वाले नहीं, हर बार स्मायो नाम का एक पोस्टमैन आता है। स्मायो इन्वेस्टमेंट के नाम पर अंजेलको से हर महीने पैसे ले जा रहा था, पर मिरियाना इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। उस दौरान दुबिका नाम के उस गांव में 17 अलग देशों के लोग साथ रहते थे, जो अलग अलग भाषा तो बोलते थे पर एक दूसरे के कल्चर की इज्जत भी करते थे। अंजेलको यूगोस्लाविया और उसके प्रेसिडेंट तीतो की इज्जत करता है, और चाहे पूरा देश सोचता हो कि तीतो करप्ट है, अंजेलको उसे अपना भगवान मानता है। उसने अपने पड़ोसी द्रागो के लिए एक फर्जी डिप्लोमा बनाया, पर जब इसके बदले द्रागो उसे पैसे देने लगा तो अंजेलको ने इनकार कर दिया और कहा कि वो ये काम पैसों के लिए नहीं करता। पर फिर द्रागो ने शुक्रिया अदा करने के लिए उस परिवार को मुफ्त में सब्जियां दी, जिसके बारे में सिर्फ मिरियाना जानती थी। एक दिन अंजेलको को पता चला कि जिस इन्वेस्टमेंट के लिए स्मायो ने पैसे लिए थे वो किसी लॉटरी के लिए थे और उन्होंने 100 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। अंजेलको अब भी ये पैसे लोगों में बांटने के बारे में सोच रहा था, पर मिरियाना ने कह दिया कि ये पैसे सिर्फ उनके हैं। कुछ देर बाद वहाँ स्मायो आया, जो परेशान नजर आ रहा था। स्मायो ने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं जीता है, क्योंकि उनके दिए पैसे उसने गवा दिए थे। 1968 का वो साल अंजेलको के परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लिए बुरा रहा, क्योंकि साल की शुरुआत एक बाढ़ के आने से हुई और बाढ़ के साथ एक टैक्स इंस्पेक्टर भी वहां आ गया, और जल्द ही उस इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि मिरियाना बड़े बॉटल्स से शराब निकालकर छोटे बॉटल्स में डालती है और ऐसा करके वो दुगना पैसा कमाती है। गांव में ये बातें होने लगी कि जानवरों के डॉक्टर यानेस और द्रागो की पत्नी स्लाविका के बीच अफेयर चल रहा है, और उस दिन सब कुछ बर्बाद होने लगा। जैसे ही स्लाविका को हॉस्पिटल ले जाया गया, अंजेलको ने द्रागो को अपने घर बुलाया और तब द्रागो ने बताया कि स्लाविका ने उसे अपने अफेयर के बारे में बताया था, इसलिए उसी ने स्लाविका को बुरी तरह पीटा है। इतना ही नहीं, द्रागो उस दोपहर पुलिस के पास गया था और अपना बदला लेने के लिए उसने पुलिस को बताया कि यानेस नकली सर्टिफिकेट से डॉक्टर बना है और वो सर्टिफिकेट अंजेलको ने बनाया है। पुलिस चीफ ने अंजेलको को छुपने के लिए रात तक का वक्त दिया है, और इस सब से उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। अंजेलको को ना चाहते हुए भी वहां से निकलकर बड़े शहर जाकर छुपना पड़ा, और कुछ लोगों की मदद से वो छुपने में कामयाब हुआ। कुछ महीनों तक वो उन लोगों की मदद से छुपा रहा जिनके लिए उसने नकली सर्टिफिकेट्स बनाए थे, और हर रोज एक नए इंसान के साथ उसके घर जाकर रहने लगा। किसी तरह छिपकर अंजेलको अपने बच्चों से भी मिला, पर अब भी वो घर लौटकर नहीं आ सकता था और ये बात उसे परेशान कर रही थी। एक दिन अंजेलको अपने नए घर के मालिक का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आ गया। वो आदमी सुलियो अंजेलको के बचपन का दोस्त था और अब वो नेशनल सिक्योरिटी में काम करता है। कुछ देर तक बात करने के बाद सुलियो ने बताया कि वो उसे गिरफ्तार करने आया है। फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने के जुर्म में अंजेलको को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस सेल में उसे डाला गया वहाँ बेहद खतरनाक मुजरिमों को रखा गया था। उनमें से एक था लुबिंको, जिसने अपने पूरे परिवार को अकेले मार डाला था। दूसरा था मिलेंको, जिसने 50 लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिया था, और उसने वही बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिससे थिएटर में लोग मारे गए थे। तीसरा आदमी था अनस, जिसे सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया था, और एक आदमी था वैसलीन, जिसे तीतो के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया। जैसे ही वैसलीन तीतो का नाम लेकर चिल्लाने लगा, पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई, और कांगा नाम का एक ऑफिसर उनके सेल में आ गया। कांगा एक एक कर सबको पीटने लगा, पर उसने अंजेलको को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा होने पर अंजेलको के सेल के कैदी उसे पुलिस का आदमी समझने लगे और अंजेलको अकेला पड़ने लगा। किसी तरह उसने वैसलीन से बात करना शुरू किया, पर जैसे ही उसने तीतो की बात की तो वैसलीन फिर खड़ा हुआ और जोर जोर से गाना गाने लगा।
अंजेलको से पूछताछ शुरू हुई, पर उसने कहा कि उसे याद नहीं कि किन किन लोगों की उसने मदद की है। उस वक्त अंजेलको ने पूछा कि कांगा सबको पीटता है तो वो उसे क्यों नहीं पीटता। इसके जवाब में वार्डन ने कहा कि कांगा को ऐसा करने के ऑर्डर्स मिले हैं। अंजेलको ने कांगा के लिए एक चिट्ठी दी और तब उसे पता चला कि सालों पहले उसने वार्डन के लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनाया था और इसलिए उसे हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। उस रात मिलेंको नींद में चिल्लाने लगा और ये देखकर अंजेलको को लगा कि उसे सपने में वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उसने मारा है। पर मिलेंको ने कहा कि उसे ऐसा कोई सपना नहीं आ रहा क्योंकि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं और वो बस क्रोएशिया की आज़ादी चाहता है। उस वक्त निराश अंजेलको को उसने बताया कि उसने कभी बॉम्ब लगाया ही नहीं था और ये काम उसके बड़े भाई विंको का था। विंको के गुनाह का इल्जाम उसके सर पर आया क्योंकि वो सिर्फ 17 साल का है और नाबालिग होने की वजह से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है। अगले दिन अंजेलको की चिट्ठी हाथ में लेकर कांगा उसके सेल में आया। वो चिट्ठी असल में तीतो के नाम से आई नकली चिट्ठी थी जो अंजेलको ने ही लिखी थी और उस चिट्ठी से वो वैसलीन को ये भरोसा दिलाने वाला था कि तीतो उन सब की बात सुनता है। अंजेलको सिर्फ वैसलीन का तीतो पर भरोसा लौटाना चाहता था, पर उसकी इस हरकत से वैसलीन को आइसोलेशन में डाल दिया गया। जाते जाते वैसलीन ने अंजेलको से कहा कि उसकी किताब को वो सुरक्षित रखे और अंजेलको ने वो किताब अपने बेटे स्लोबोदान को दे दी, पर स्लोबोदान ने सर्कस में जाने की जल्दी में वो किताब बस में ही गिरा दी। स्लोबोदान जिस सर्कस में गया वहां उसे एक जादूगर मिला जिसने उसे हिप्नोटाइज करके ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्लोबोदान उसकी असिस्टेंट से प्यार करता है और उसके ऐसा करने से स्लोबोदान अजीब सी हरकतें करने लगा। पर जब उसे होश आया तब भी वो उस लड़की से प्यार करता रहा। दूसरी ओर सेल में अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते थे इसलिए उनमें लड़ाई होने लगी थी, पर इससे पहले की बात हाथ से निकलती अंजेलको ने उन्हें रोक दिया। इस बीच वहां कांगा वैसलीन को लेकर आया जिसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। कांगा ने बताया कि अगले दिन मिलेंको की सुनवाई है और ये परेशानी की बात थी क्योंकि उस रात 12 बजे ही मिलेंको का जन्मदिन है और वो 18 साल का हो जाएगा। अगली सुबह अंजेलको से सुलियो मिलने आया और तब अंजेलको ने उसे बताया कि मिलेंको निर्दोष है और असल में बॉम्ब लगाने वाला उसका बड़ा भाई था। उसने सुलियो को एक चिट्ठी दी जिसमें वो तीतो से मिलेंको की रिहाई की मांग कर रहा है। ये देखकर सुलियो उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि सारी दुनिया बुरी है इसलिए अंजेलको को लोगों की मदद करना बंद करना चाहिए। अंजेलको के गांव में जानवर मरने लगे थे क्योंकि उनका डॉक्टर अब जेल में था, इसलिए जानवरों को बचाने के लिए यानेस के खिलाफ की गई कंप्लेंट खारिज कर दी गई और यानेस के काम पर लौटने से द्रागो को छोड़कर हर कोई खुश था। इसलिए द्रागो ने यानेस को अपने घर बुलाया और उसे मारने की तैयारी की। उसने यानेस को वो गाना गाने के लिए कहा जो वो स्लाविका के लिए गाता था और गाना सुनकर द्रागो रोने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शक गलत था और उन दोनों का कभी अफेयर था ही नहीं। कुछ दिनों बाद मिलेंको को पता चला कि उसके भाई विंको को मार दिया गया है। उसे ये भी पता चला कि किसी ने उसकी सच्चाई पुलिस को बता दी थी, पर वो ये नहीं जानता था कि वो आदमी अंजेलको ही है। अब विंको की मौत का जिम्मेदार अंजेलको खुद को मान रहा था। उस वक्त मिलेंको को संभालने के लिए लुबिंको ने अपनी जिंदगी की कहानी उसे बताई। उसने बताया कि पहले उसके माता पिता ने उसे धोखा दिया और फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने। उसकी गर्लफ्रेंड के बाद हर कोई उसे धोखा देता गया। उसकी कहानियां सुनकर वहां मौजूद लोग परेशान होने लगे, पर वो फिर भी चुप नहीं हुआ। वो उन गुनाहों के बारे में बताने लगा जो उसने किए थे और वो कहने लगा कि उसे उन गुनाहों का कोई पछतावा नहीं, इसलिए मिलेंको को भी उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी बकवास जिंदगी से निकलने का उसे मौका मिले और मौत की सजा से वो खुश हो जाए। आखिरकार महीनों बाद मिरियाना को अंजेलको से मिलने का मौका मिला और एक दूसरे को देखकर उन दोनों को राहत मिली। जब अंजेलको ने कहा कि वो गुनहगार है और चाहता है कि उसे सजा मिले तो मिरियाना निराश हो गई। मिरियाना ने बताया कि जब से स्लोबोदान सर्कस देखकर आया है तब से कहने लगा है कि वो एक जादूगर बनना चाहता है। उस वक्त मिरियाना अपने कपड़ों में छुपाई चीजें निकालने लगी और उन्हें अंजेलको के सामने रखकर उसने कहा कि वो अपने लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनवाना चाहती हैं। पर अंजेलको ने इनकार कर दिया और कहा कि अब वो ये काम नहीं कर पाएगा। उस रात कांगा छुपके से सेल में आया और लुबिंको को उसकी मौत की सजा देने की तैयारी करने लगा, पर लुबिंको मरने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच कांगा उन सारे कैदियों को मारने लगा और तब अंजेलको ने उससे कहा कि वो भी मार खाना चाहता है वरना उसके सारे दोस्त उसे गद्दार समझेंगे।
कांगा अब अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने पहली बार अंजेलको को भी पीटना शुरू कर दिया। अचानक वहाँ भूकंप आया। और गलती से कांगा ने भूकंप से अंजेलको को बचा लिया। उस वक्त कोई भी कैदी जेल तोड़कर भागने के बारे में सोच नहीं पाया और सिर्फ लुबिंको था जो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला। कुछ दिनों बाद अंजेलको की सुनवाई हुई जहाँ अंजेलको की तरफ से एक शराबी लड़ रहा था और उसके खिलाफ एक ऐसा वकील था जो कागजों के बीच हड़बड़ा रहा था। अंजेलको को समझ आ गया कि वो सुनवाई बकवास है क्योंकि उसका वकील और वहाँ का जज दोनों ही अंजेलको के बनाए फर्जी सर्टिफिकेट्स की वजह से वहाँ मौजूद है और कोई सबूत ना होने की वजह से अंजेलको को रिहा कर दिया गया। पर अंजेलको इस बात से खुश नहीं था। जेल से निकलने से पहले उसने अपने साथियों से कहा कि वो उनकी मदद करेगा, पर क्योंकि वो लोग उसे एक गद्दार समझ रहे थे उन्होंने कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया। जिस वक्त अंजेलको जेल में था उस वक्त उसके घर में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर कमा रहा था और मिरियाना यानिस के लिए काम कर रही थी। पर जैसे ही अंजेलको वापस घर आया तो घर पूरी तरह बदल गया। उसने गैरकानूनी काम करने से इनकार कर दिया और अपने बेटे को भी वो ये करने से रोकने लगा। इसके जवाब में उसके बेटे ने कहा कि आधा देश अंजेलको के बनाए नकली सर्टिफिकेट से काम कर रहा है। अपने बेटे को चुप कराकर मिरियाना ने कहा कि अगर अंजेलको ऐसा नहीं करता तो इस देश के कई सारे परिवार भूखे मर रहे होते, इसलिए उसे अपने पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिरियाना की इस बात से खुश होने के बजाय अंजेलको शक करने लगा कि उसका और यानिस का अफेयर चल रहा है। कुछ दिनों बाद अंजेलको बीमार हुआ और डॉक्टर ने कहा कि शायद उसे कैंसर है, पर अंजेलको को तभी पता चला कि वो डॉक्टर भी उसके बनाए नकली सर्टिफिकेट से ही डॉक्टर बना है, जिसका मतलब ये है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अंत में अंजेलको ने एक चिट्ठी लिखी और दूसरों की नजरों से छुपकर उसने उस चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। उसने प्रेसिडेंट तीतो के नाम से एक नकली चिट्ठी खुद के लिए लिखी और अपने परिवार को बताया कि उसे उनसे मिलने का बुलावा आया है। मिलेंको के केस को तीतो के सामने लाने के लिए अंजेलको वहाँ से निकल गया और वो आखिरी दिन था जब किसी ने अंजेलको को देखा। उसके गुमशुदा होने के कारण को समझने के लिए स्लोबोदान सोचने लगा कि अंजेलको शायद सीधा तीतो के घर जा पहुँचा होगा, जहाँ उसे धक्के देकर निकाल दिया गया। पर वो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उसके घर में घुसने की कोशिश में वो पानी के रास्ते से गया होगा और तीतो के सामने जा पहुंचा होगा। वो सीधा तीतो के करीब जाकर मिलेंको की बात करने लगा और गलती से तीतो के बॉडीगार्ड्स ने अंजेलको की जगह तीतो को मार दिया होगा। तीतो की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया गया और उसका बॉडी डबल उसकी जगह लेकर काम करने लगा। यही सोच स्लोबोदान ने सच मान ली और ये सोचकर कि उसके पिता गुमशुदा हो चुके हैं, वो अपनी जिंदगी जीने लगा और उसी जादूगर के सर्कस में काम करने लगा जहां उसे उसका प्यार मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।